एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल होप fine. मेरा नाम गुंजन है मैं एक एविएशन प्रोफेशनल हूँ और आप देख रहे हैं सिंपली फ्लाइट सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेज ऑफ लिकर इन फ्लाइट इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ फ्रेंड्स जिसपे आप सभी का ढेर सारा प्यार मिला है मुझे जिसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैरेज ऑफ लिकर इन डोमेस्टिक फ्लाइट इन इंडिया आप डोमेस्टिक फ्लाइट में कैरेज कैसे कर सकते हैं लिकर को इसके बारे में हमने डिस्कस किया था उसकी पॉलिसी उसके प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो मैंने उसमें दी थी जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं सो so, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उससे एक फर्दर स्टेप जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेज ऑफ लिकर इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स और उसके अलावा कैरेज ऑफ लिकर इन ड्राई स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड फ्यू ऑफ योर डाउट्स जो आपके डाउट्स रहते हैं उसके बारे में हम ऐट दी एंड डिस्कस करेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दीडियो जब भी आप इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं बाहर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कितना लिकर कैरी कर सकते हैं तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वन पर्सन कैन कैरी अप टू फाइव लीटर्स आप पांच लीटर तक कैरी कर सकते हैं यानी कि फाइव बॉटल्स या सिक्स बॉटल्स जिसका वॉल्यूम जो है जिसकी जो वेट है क्वांटिटी है वो फाइव लीटर्स तक होनी चाहिए क्योंकि एक बॉटल में जनरली सेवन फिफ्टी एम के आसपास आता है किसी में उससे ज़्यादा भी आता है किसी में उससे कम आता है बट एक स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है वो सेवन फिफ्टी एम होती है तो आप फाइव लीटर तक कैरी कर सकते हैं सेकंड इज आपकी जो लिकर बॉटल है उनका जो एल्कोहल वॉल्यूम है यानी कि जो परसेंटेज है वो ट्वेंटी से सेवेंटी के बीच में होना चाहिए आप अपनी बॉटल पर चेक कर लीजिए उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं और एल्कोहल का वॉल्यूम भी लिखा होता है हर एक बॉटल पे तो आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं अगर उसका जो वॉल्यूम है 24% से 70% के बीच में है तो उस टाइप की आप बॉटल्स जो हैं आप टू फाइव लीटर कैरी कर सकते हैं बट अगर जो वॉल्यूम है 70 परसेंट से ज़्यादा है तो आप उस पर्टिकुलर बॉटल को कैरी नहीं कर सकते हैं तो यानी कि दो कंडीशन है आप 5 लीटर तक कैरी कर सकते हैं प्लस जो वॉल्यूम है आपके अल्कोहल का दैट शुड बी बिटवीन 24 परसेंट टू 70 परसेंट नेक्स्ट इज हाउ कैन यू कैरी वेर कैन यू कैरी एंड वट शुड बी दैकेजिंग ऑफ लिकर बॉटल इफ़ यू आर कैरिंग इट सो so, सबसे पहले बात करते हैं हाउ कैन यू कैरी इट फ्रेंड्स मेक श्योर उसका लेड ओपन ना हो आपकी जो लिकर बॉटल है वो अनसील्ड ना हो इट शुड बी इन रिटेल्ड पैकेजिंग वो सील्ड बॉटल होनी चाहिए जैसे आप शॉप से या किसी आउटलेट से खरीदते हैं तो जैसे जिस पैकेजिंग में आती है उस पैकेजिंग में ही आप उसको कैरी कर सकते हैं अगर आपने उससे कंज्यूम किया है तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैं भले ही आपने उससे थोड़ा सा कंज्यूम किया है स्टिल आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैं इनकेस अगर आप कैरी कर रहे हैं तो सिक्योरिटी चेक पर जब वो डिटेक्ट होगा तो उसको ऑफलोड कर दिया जाता है सो इट्स बेटर की ऑलवेज कैरी अ अलूंग बॉटल यू यू कैरिंग अ लिकर बॉटल इज वेयर कैन कैरी यू कैन कैरी इट इन चेक इन बैगेज ओनली आप उसको चेक इन बैगेज में ही कैरी कर सकते हैं नाउ वट शुड बी पैकेजिंग ऑफ इट तो सबसे पहले ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि वो कंज्यूम ना हो दूसरा वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं जब लिकर आप खरीदते हैं तो कई सारी जो बॉटल्स होती हैं उनके साथ कार्डबोर्ड का बॉक्स के अंदर वो पैक होकर आती हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में कैरी करें इन केस अगर नहीं है बाई एनी चांस नहीं है तो आप उसको किसी भी आ, कपड़े में लाइक like, किसी टावल में या किसी भी मोटे कपड़े में आप उसको रैप कर सकते हैं एंड ऑलवेज़ प्लेस इट बिटवीन द क्लोथ्स ऑफ योर बैग अपने बैग में क्लोथ्स के बीच में उसको कैरी करें एंड ऑलवेज कीप इट इन हार्ड टॉप बैग नेवर एवर ट्राई टू कैरी इट इन सॉफ्ट बैग बिकॉज अगर आप ऐसे करते हैं तो मे बी आपको सिक्योरिटी चेक पर रोक दिया जाएगा फिर आपको बोला जाएगा कि उसको किसी हार्ड टॉप बैग के अंदर उसको uh, शिफ्ट कीजिए अदरवाइज यू कै नॉट कैरी इट इट शुड बी इन प्रॉपर पैकेजिंग तो देर कैन बी अ लॉट ऑफ ट्रैवल वाइल यू आर ट्रेवलिंग सो इट्स बेटर कि आप उसको घर से ही अच्छे से पैक करके लेके जाएं कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आ, कहीं ऐसा ना हो कि बॉटल ब्रेकेज हो जाए जिसकी वजह से आ, या फिर लीक हो जाए जिसकी वजह से हमारे क्लोथ्स या बाकी स्टफ ख़राब हो जाएगा बट ये सोच के हम अगर हम उसको दूसरे किसी बैग में कैरी करते हैं और बाई एनी चांस आपको अलाउ भी कर दिया जाता है और आप उसको कैरी करते हैं तो उसके ब्रेकेज के हिसाब सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है अगर आप किसी बैग में कपड़ों के बीच में रहेंगे तो वो एक ही जगह प्लेस्ड रहेगा और उसका मूवमेंट कम रहेगा उसमें प्रेशर कम पड़ेगा तो उसके ब्रेकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बट इन केस अगर आप उसको किसी सेपरेट बैग में कैरी करेंगे जिसमें ज्यादा क्लोथ्स नहीं है थो, थोड़ा सा सामान है तो उसमें ब्रेकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इन केस अगर वो ब्रेक हो जाती है तो एक तो आपका नुकसान होता है साथ ही साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है क्योंकि उससे जब लेकर बाहर आता है तो कई सारे लोगों के बैग खराब होते हैं उनके स्टफ खराब होते हैं जिस वजह से एयरलाइन के अगेंस्ट कंप्लेन आती हैं जिसकी वजह से एयरलाइन आपको अलाउ नहीं करती है इट्स बेटर कि ऑलवेज कैरी इन योर हार्ट टॉप बैग बिटवीन द क्लोथ्स लेट्स टॉक अबाउट कैरेज ऑफ लिकर इन हैंड बैगेज अगर आप अपनी पर्सनल लिकर बॉटल को हैंड बैगेज में कैरी करना चाहते हैं तो क्या आप उसको ले जा सकते हैं तो इसका आंसर है नो यू कैन नॉट कैरी योर पर्सनल लिकर बॉटल्स इन योर हैंड यस अगर आप ले, न, ले जाना चाहते हैं हैंड में तो आप ड्यूटी फ्री शॉप से परचेज करके आप उसको हैंड में कैरी कर सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स कौन सी होती हैं फ्रेंड्स जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं चेक इन काउंटर से अपना बोर्डिंग पास लेते हैं उसके बाद जब सिक्योरिटी क्लियर कराने के बाद आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी शॉप्स दिखाई देती हैं सिक्योर टी चेक पॉइंट के बाद कई सारी शॉप्स होती हैं फूड कोर्ट होता है वहीं पर ड्यूटी फ्री शॉप भी होती है बिफोर गोइंग टू दी आ, बोर्डिंग गेट्स तो उन शॉप से अगर आप खरीदते हैं तो आप उसको में ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपको जो वो बॉटल्स होती हैं वो सिक्योरिटी टेम्पोर्ड एविडेंट बैग में दी जाती है जो कि सील्ड होता है तो आप उसको वहाँ से में कैरी कर सकते हैं सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट कैरेज ऑफ लिकर इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दैट इज कैरेज ऑफ लिकर इन ड्राई स्टेट्स ऑफ इंडिया तो इसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि ड्राई स्टेट्स होते क्या हैं दूसरा वो कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जिनको ड्राई स्टेट्स की कैटेगरी में डाला गया है सो फ्रेंड्स ड्राई स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहाँ एल्कोहल को कंज्यूम करना यानी कि पीना या फिर कैरी करना कम्प्लीटली बैन होता है एज़ पर द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पर कंप्लीटली बैन किया हुआ है आप ना ही एल्कोहल को कंज्यूम कर सकते हैं ना ही कैरी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा साथ ही बात कर लेते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे अल्कोहल कम्प्लीटली बैन है दैट मीन्स जिनको ड्राई स्टेट्स की कैटेगरी में डाला गया है तो जिसमें है बिहार गुजरात मिज़ोरम नागालैंड लक्षद्वीप और भी कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे अल्कोहल कम्प्लीटली बैन है यानी कि वो ड्राई स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे स्टेट्स में ना ही आप एल्कोहल कैरी कर सकते हैं चाहे आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐसे स्टेट्स में कैरी नहीं कर सकते हैं एक और चीज़ फ्रेंड्स जो मैंने कई बार नोटिस की है एयरपोर्ट पर सारे लोग ऐसा करते हैं मे भी शायद आप ना करते हो बट कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो लिकर है वो लिकर बॉटल से आ, शिफ्ट करके किसी प्लास्टिक बॉटल में कैरी करते हैं और उसको ले जाने की कोशिश करते हैं बट अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कभी आप लिकर बॉटल से लिकर को निकाल के किसी प्लास्टिक बॉटल में ले जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स क्योंकि जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है एयरपोर्ट में वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है और सर्टिफाइड होते हैं स्क्रीनर्स वो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आराम से डिटेक्ट कर लेंगे और इन केस अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो आप किसी ट्रबल में भी फंस सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप ऐसा कुछ ना करें क्योंकि मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो लेकर को प्लास्टिक बॉटल में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हाइट करने के लिए ले जा रहे हैं जा, प्लास्टिक बॉटल में कई बार लोग ये सोचते हैं कि वो ब्रेकेज ना हो बॉटल या फिर ब्रेकेज या लीक ना हो इस वजह से वो लोग कई बार ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको प्लास्टिक बॉटल में तो ऐसा ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो भी वो ऑफ दिया जाएगा और इन केस अगर आप किसी ड्राई स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाई कर रहे हैं और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी हो जाता है तो इट्स बेटर आई विल एडवाइज नॉट टू डू सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू डाउट्स जो आप में से ही कई सारे लोग पूछते हैं जिसमें पहला है इज़ द करेक्ट एज ऑफ कैरिंग सो फ्रेंड्स अगर हम एज की बात करें तो एज पर पॉलिसी कोई एज मैंशन नहीं है कहीं पर बट हाँ इन जनरल बात करें तो मिनिमम आपकी ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि जो अडल्ट होते हैं वही लेकर कैरी कर रहे होते हैं और बच्चे तो ऑब्वियसली नहीं कैरी करते हैं Uh, साथ ही आपने नोटिस किया होगा अगर आपने कभी ड्यूटी फ्री शॉप से परचेज की है लेकर तो आपको पता होगा कि कई सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होती हैं वो आपका पहले आधार कार्ड चेक करते हैं दैट मीन्स वो आपकी एज चेक करते हैं और कई सारी जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं वो अगर आप 25 फाइव ईयर्स ऑफ एज नहीं है या उससे आ, कम है तो आपको वो आ, सेल नहीं करेंगे लिकर बॉटल्स आपकी एज जो हो होती है मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए तभी वो आपको सेल करेंगे सो so, जो मिनिमम एज है जनरली 21 इयर्स होती है और अगर आपको ड्यूटी फ्री शॉप से ख़रीदना है तो मेक शोर sure कि आपकी एज मिनिमम 25 इयर्स हो आप चेक कर लीजिए अगर आपको परचेज करना है तो वो अलग अलग ड्यूटी फ्री शॉप्स और हर जगह अलग अलग रूल्स होते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं मोस्ट ऑफ यू आस्क अबाउट दी कंजम्पन ऑफ लिकर बिफोर दी फ़्लाइट यानी कि बोर्डिंग से पहले क्या कंज्यूम की जा सकती है तो इसका आंसर है नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इट इज़ नॉट परमिटेड एज पर दी एयरलाइन पॉलिसीज़ एंड दी सेफ्टी गाइडलाइंस आप बिल्कुल भी लिकर या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस फ्लाइट में जाने से पहले नहीं कंज्यूम कर सकते हैं या फ़्लाइट के दौरान नहीं कंज्यूम कर सकते हैं इट इज़ नॉट अलाउड चाहे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी ये अलाउड नहीं साथ ही अगर आपने कंज्यूम की है और इफ यू गेट डिटेक्टेड बाई एयरलाइन और सिक्योरिटी स्टाफ देन एयरलाइन हैज अ कंप्लीट राइट टू डिनाई योर बोर्डिंग एयरलाइन आपको ऑफलोड कर सकती है आपकी बोर्डिंग डिनाई कर सकती है सो माई पर्सनल एडवाइस इज नॉट टू डू सो एंड द लास्ट इज कैन आई कंज्यूम माई ओन लिकर ज्यूरिंग द फ्लाइट और इन फ्लाइट तो इसका आंसर है नॉट परमिटेड बिल्कुल अलाउड नहीं है फ्रेंड्स आप अपने ही लिकर बॉटल को कैरी करें और उसको कंज्यूम करें यह करना बिल्कुल अलाउड नहीं है कई सारी एयरलाइंस हैं जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिनमें अगर आप ड्यूरी फ्री शॉप से परचेज लिकर बॉटल कैरी कर रहे हैं अपने हैंड में तो उसको आपको हैंड ओवर करना होता है केबिन क्रू को एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग और जब आप डे प्लेन करते हैं तो आपको वो वापस दे दी जाती है इन केस यू वॉन्ट टू कंज्यूम इड तो कई सारे एयर करियर है बहुत कई सारी एयरलाइन हैं जो प्रोवाइड करती हैं और सर्व करती हैं क्योंकि केबिन क्रू को पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको सर्व करना है तो आप वहाँ पे ऑन बोर्ड परचेस कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं सो फ्रेंड्स दिस वाज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कैरिज ऑफ लिकर इन फ्लाइट आई होप अब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फिर भी इन केस अगर आपका कोई डाउट रह गया है जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा so लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा या लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो so देट आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए खुश रहिएयर बाय बाय जय हिंद